नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ खबर और मैं हूँ कृतिका भटनागर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोरोना वायरस के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर किए गए बड़े बयान के बाद विवाद छिड़ गया है। अरविंद केजरीवाल ने नए स्ट्रेन को खतरनाक बताते हुए सिंगापुर से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने की केंद्र सरकार से अपील की थी। इस पर भारत के उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब तो दिया ही, बाद में सिंगापुर ने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सिंगापुर की नाराजगी के बाद भारत के विदेश मंत्री एसएस जयशंकर ने भी दिल्ली सीएम को नसीहत दे दी। असल में केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो ताकि बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। सिंगापुर के आपत्ति जताने के साथ ही भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया गया। भारत में मौजूद सिंगापुर के दूतावास ने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग से पता चलता है कि सिंगापुर में कोरोना का B.1.617.2 वेरिएंट ही मिला है। इससे बच्चों से जुड़े कुछ मामले शामिल नहीं है। सिंगापुर की आपत्ति पर भारत ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोरोना वायरस के वेरिएंट या विमान नीति पर बोलने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि सिंगापुर और भारत दोनों ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में सिंगापुर ने भारत की जो मदद की है उसके लिए उनका धन्यवाद। सिंगापुर का सैन्य विमान से मदद भेजना दिखाता है कि हमारे रिश्ते कितने मजबूत हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। इससे पहले सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा था कि राजनेताओं को तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, तो वही कोरोना संकट में भारत को मदद और ऑक्सीजन मुहैया कराने वाले सिंगापुर पर टिप्पणी करने की वजह से अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया पर भी आलोचना हो रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।